रामायण जो है ना, ये तो है भैया क्या चीज, एक काव्य है, लेकिन एक्चुअली में रामायण एक लीला है। क्या मतलब समझते हैं? मैच फिक्सिंग। पहले से रामायण में हर चीजें क्या थी, फिक्स थी, लेकिन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट कि हमें और आपको समझने का मौका ही नहीं दिया और इसे एक धार्मिक किताब बांध के रख दिया। रामायण को अक्सर कहा जाता है रामलीला, देखते हैं ये राम जी की क्या थी, लीला थी, राम जी की क्या थी, लीला। अगर आप इसके छोटे से छोटे चीजों को अगर आप समझेंगे, कोई भी चीज को अगर समझेंगे छोटे से छोटे चीज को, तो आज के जीवन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अच्छा ये बताइए, राजा दशरथ जी की पत्नी थी, वो कौन सी पत्नी थी जिन्होंने रथ में उंगली डाल के उनसे वचन मांगे, कौन थी, कैकेयी। उन्होंने क्या कहा था राजा दशरथ जी ने, कि हम तुम्हें एक वरदान देंगे। बदले में उन्होंने क्या कहा कि हम उचित समय आने पर आपसे क्या मांगेंगे, वरदान। याद रखिएगा, आज के जीवन में अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हैं तो तुरंत पूरा करवा लीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि उचित समय आने पे हम तुम्हारे लिए करेंगे, वरना आने वाले समय राजा दशरथ जी की मृत्यु का कारण भी बने थे राम जी का वनवास। कौन बर्दाश्त करेगा वहां पे राम जी का। लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं था, वो तो साथ में चले गए थे, भाई के स्नेह में चले गए थे कि नहीं। तो ये आप इसका ध्यान रखें, ये क्या चीज था, ये आने वाले कलयुग के लोगों को दिखाने के लिए एक प्रेरणा की स्रोत थी। देखिए आज उन सबको पता था भगवान जी को, आने वाले समय में एग्रीमेंट वगैरह बहुत होगा, बिजनेस बिजनेस आगे जाएगा, जीएसटी उस्टी, तो कैसे खुल के थोड़े बोलेंगे कि एग्रीमेंट में ऐसे ऐसे मत करना। वो दिखाया गया था कि इस लीला को समझिए और अपने आने वाले जीवन में 100 200 साल हजारों साल बाद आप इस जीवन में याद रखिएगा कि अगर आप किसी के प्रति एहसान मंद है तो उसका एहसान तुरंत चुकाइए। उसको अगर फ्यूचर पे टालेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा जगह आके चोट देगी, फिर आपको भी काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अभी याद रखेंगे, यहाँ पे आप इस रामायण में बहुत सारी चीजों को देखेंगे जो आज के वक्त में आपको अपने जीवन में बहुत काम देंगे। जब लक्ष्मण जी हिरण को ढूंढने गए थे, वो एक क्या किए थे, लक्ष्मण रेखा खींचे थे और सीता जी से क्या कहते कि सीता जी आप इसके बाहर नहीं जाए। सीता जी कभी नहीं जाती उसके बाहर, कभी नहीं जाती, यदि रावण साधु का भेष नहीं बनाया होता तब। तो ये क्या संदेश देना चाहता है कि हर साधु के भेष में समझा आया हुआ व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है। कलयुग के भेष में अगर कोई भी आपका साधु बन के आता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा पार कराने के लिए आया है। इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि सीता जी जैसी, जब वो भगवान की पत्नी जब धोखा खा सकती है तो हम जैसे तुच्छ मानव लोग की औकात कौन सी औकात है हमारी। और आज भी देखिए आपको तांत्रिक लोग किसी किसी नाम पे आपको ठगेंगे, ये एक लीला है। लेकिन हमारी सिस्टम में जब अंग्रेज आए थे तो इस तरह से पढ़ा के गए कि हमारे और आपके दिमाग पे एक ताला मार दिया कि बौद्ध ग्रंथों में कुछ भी है तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे ताला मारा गया है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। अरे भाई, महात्मा बुद्ध ने कह के गए थे क्या कि हमसे तुमको कोई भी, बौद्ध लोग ही हमसे अपनी तमन्नाओं को मांगना या हमारी मन्नत मांगना, अगर कोई मुस्लिम या हिंदू हमसे कोई प्रार्थना करेगा तो हम पूरा नहीं करेंगे। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे थे क्या कि अगर हमसे कोई सच्चे दिल से मुस्लिम अगर हमसे अपनी प्रार्थना करेगा उसने मुसीबत में तो हम उसकी पूजा नहीं की प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, कहेंगे भाग तू मुस्लिम है, क्या कहेंगे नहीं। लेकिन हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। देखिए मुगलों के वक्त में भी हमारी संस्कृति पे आंच आई थी, मुस्लिम शासक के वक्त आई थी, लेकिन उन लोग की सोच दूरदर्शी नहीं थी, वो केवल हमारे सामाजिक क्षति किए। लेकिन जब अंग्रेज का शासन आया ना, मेंटली बर्बाद कर दिया सब, जिसका खामियाजा आज भी हमें भुगतना पड़ता है। जबकि ये साफ संदेश था राम जी का कि देखिए हमारी खुद की पत्नी भी धोखा खा सकती है तो आप आदमी किस दे। इसलिए जब कभी भी कोई धार्मिक चीज में अगर आए तो उसे एक बार जांच परख लीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि सब गलत है, लेकिन जांच परख जरूर लीजिएगा। जब लंका में जाया जा रहा था तो लंका में जब जाने के वक्त में भी देखिएगा, जब वानर लोग पुल बना रहे थे, वानर लोग क्या बना रहे थे, पुल बना रहे थे, तो उसमें गिलहरी भी ईंटा लेके ढोती थी सब। अब गिलहरी की औकातें कितना, इतनी इतनी ईटा लेके घूम रहे थे, देखो बंदर उठा के फेंक दिया गिलहरी को, क्योंकि भाई यहाँ से डिस्टर्ब करने आई है यहाँ पे। तो राम जी के पास गिरी थी और उसको चोट लग गया, तो राम जी अपने उंगली से ऐसे सहला दिए थे, तो गिलहरी के ना पीठ पर आप देखेंगे ना तीन ठो निशान होता है, गिलहरी के पीठ पर तीन निशान होता है। तो ये कहा गया कि राम जी का ये क्या है, निशान है। और राम जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपदेश उस बंदर को बुला के दिए थे, वानरी सेना को, कहते इधर आओ, सबका क्लास लिए थे, चलो सब लोग यहाँ पारा कैसे वहां पे। उन्होंने, राम जी घुसी आने वाले नहीं थे, लक्ष्मण जी इतनी भड़कीले टाइप के थे, नाके काट दिए सुपने खा। आज भी हर लड़की किसी भी लड़के को प्रपोज करने से डरती है, क्योंकि उसको याद है ससुर हमारा एक बार रामायण के समय लक्ष्मण जी काट दिए थे। लड़का डरता है कि कहीं तमाचा मत मार दे, लड़की डरती है नकिए मत काट दे।
खैर ये मजाक वाली बात है, इसको सीरियस नहीं ले। तो राम जी ने क्या कहा था कि देखो मायने ये नहीं रखता है कि तुम कितना किए हो, मायने ये रखता है तुम कितना कर सकते हो। बंदर लोग जो है वानरी से ना तुम्हारी क्षमता ज्यादा है, तुम बड़े बड़े पत्थर को उठा सकते हो, लेकिन गिलहरी ने उतना बड़ा पत्थर उठाया जितनी इसकी औकात थी। इसलिए अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये मत सोचना आज के समय में कि तुमने कितना पढ़ाई किया, बल्कि अपने आप से पूछना कि आज हम कितना पढ़ सकते थे। समझा गया? इसलिए हम आज भी इस गिलहरी को अपने पास रखते हैं। जिस दिन हमको थकान होने लगती है हम इसको देखते हैं तो राम जी की बात याद आती रखती है कि ये मरा हुआ जिंदा इसमें रहेगा। हमको आज भी जब भी थकान होती है तो हम इसको देखते हैं, याद आती है कि जिंदगी में ये मत सोचना तुमने कितना किया, सोचना कि तुम कितना कर सकते थे। समझ आया कि नहीं? चलिए अब मेन टाइम पे आते हैं। यहाँ पे तो पहला आपने ये देख लिया, उसके बाद आपने देखा कि लक्ष्मण जी को क्या लग गया था, तीर लग गया था और शक्ति बाण के नाम से वो तीर था, बहुत खतरनाक, उसमें मंत्र वगैरह था। पहले के समय में तीर खतरनाक नहीं थे, मंत्र खतरनाक थे, उस जो कुछ पढ़ के मार देता था रावण वगैरह मार यहाँ पे। तो आप जरा देखिए राम जी के अपने भाई को जब तीर लगा था तो राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे, एक बार राम जी उस तीर लगे हुए जगह पे हाथ रख देते तो क्या वो जख्म सही नहीं हो जाता, हो जाता कि नहीं? लेकिन राम जी तो भैया ठहरे भगवान, उन्हें पता था कि आने वाले कलयुग में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक घूमने लगेंगे जो कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो जख्म जो मंत्र पढ़ा था मैं उसी मंत्र को पढ़ के आपके AK-47 का गोली लगाए साफ कर देंगे, पिछी काटा है साफ कर देंगे, सांप काटा है साफ कर देंगे। इसलिए राम जी अपने भाई को तड़पते हुए छोड़े और कहे हनुमान जी को कि जाइए आप हिमालय से संजीवनी बूटी लाइए, जो हनुमान जी को दिखाता है कि यदि समय रहते अगर आप मेडिकल सुविधा ला सकते। आज के समय में अगर आप देखेंगे, मजाक में सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में वो एम्बुलेंस को दर्शाता है, आप इसे मजाक के सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में एम्बुलेंस को दर्शाता है और मेडिकल दवाओं को दिखाता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, देर मत कीजिए और दवाइयां लाइए, वरना राम जी को क्या, आपको क्या लगता था राम जी के पास शक्ति ना है? अरे भाई साहब बड़का बड़का लीला करके यहाँ पे वहां जो दिखाता है। लेकिन आज के समय में हम लोग, क्योंकि भारत अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर ये ससुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा, लेकिन उन्होंने इस चीज को दबा दिया, रामायण को केवल किताब रख दिया ना कि उसे केस स्टडी में बता दिया, जबकि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है कि देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुर हमारे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब, हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तू महाभारत पे लड़, हम हिंदू तुम मुसलमान तुम सिख तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को, आज भी आप लोग समझ। और दूसरा देखिए आप आगे हर चीज को अगर आप देखेंगे बहुत सारा चीज महाभारत उसमें देखेंगे आप, रावण मारा गया क्यों, अपने भाई को क्या किया था बता दिया था, जबकि रावण नहीं मारा जाता अगर वो अपने भाई को नहीं बताता कि मेरी नाभि में अमृत। इसलिए ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि अगर आप किसी राज को चाहते हैं छुपा लेना, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को ना बताएं, क्योंकि अगर आप अपने करीबी को कोई राज बताते हैं तो करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो किसी को ना बताएं, स्पेशली महिला को तो बताइए मत, आप बुरा मानिएगा लेकिन ये चीज हकीकत है, किसी महिला को बताइएगा ना हाई बात मत बताना, तो अपनी सहेली को बताएगी और उसको भी कहेगी किसी को बताना नहीं और पूरा लॉज पीट देगी अल्लाह, सबको यही बात कहा जाएगा किसी को बताना नहीं। पहले के वक्त में मीडिया नहीं था तो महिलाएं ही मीडिया का काम करती थी, कोई खबर पहुंचाना है ये को दादी को कह दो पूरा मीडिया का काम। तो इस चीज को आप समझिए, ये केस स्टडी है। राम जी बड़ा बड़ा लंका जलाया गया, ये हुआ सारा चीज, लेकिन जब वनवास काट के जब वो घर आए तो घर पे आए तो सबको पता है कि सीता जी 83 दिन तक लंका में थी, लेकिन रावण को श्राप भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियति से टच भी करता है तो भस्म हो जाएगा, था कि नहीं था? पूरी दुनिया जानती थी कि सीता जी एकदम पवित्र है, लेकिन जब वो अयोध्या पहुंची तो राम जी लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, सवाल उठाया गया था कि नहीं उठा? तो राम जी कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को जगत जननी माँ सीता को वो अग्नि परीक्षा में बैठाए, लेकिन समाज में आकर उन्होंने कहा कि 90% लोग को विश्वास है कि सीता जी क्या है एकदम पवित्र है। इवन कि अशोक वाटिका में रावण रखा था तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंसानियत थी,
और कहा भी, मतलब एक रावण के, बहुत से लोग रावण की इंसानियत को भी कहते हैं और कहते भी है कि सीता जी को पवित्र लौटाया गया था, तो ये राम जी की मर्यादा, राम जी की बहादुरी तो थी ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रावण की इंसानियत भी थी। और जो दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं, तो एक नहीं एक कोटेशन आता है, ये रावण भी बोलता है, मुझे आग लगाने वालों जरा ये बताओ इस भीड़ में राम कौन है। लेकिन हम लोग दशहरे में उस रावण को जलाते हैं, हकीकत देखिएगा तो उससे नीच आदमी आज हम लोग बन के बैठे, हम लोग से कहीं ज्यादा इंसानियत उस रावण में था उस वक्त। लेकिन राम जी अयोध्या आए ना, तो 90% लोगों को पता था, 90% लोग खुश थे कि आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए। लेकिन उस समय भी लोगों की कमी नहीं थी, लोग की कमी उंगली उठाने की नहीं थी, लोगों ने भगवान पर उंगली उठा दिया और भगवान ने सोचा कि चलो ना हम अग्नि परीक्षा दे देंगे, जगत जननी माँ सीता तो पवित्र ही है, अग्नि परीक्षा में क्या हो जाएगा, सफल तो हो ही जाएंगे। हुआ भी वही, माँ सीता अग्नि परीक्षा में बैठी और कहा गया भैया अगर पवित्र रहेंगी तो आग नहीं जला पाएंगी और अब अपवित्र है तो आग जला देगी। क्या सीता जी को आग जला पाई थी? नहीं। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जब सीता जी आई तो रो दी, ये दुनिया से मतलब नहीं था, ये राम जी आपसे मतलब था, राम जी आपने ही जब हम पे कह दिया अग्नि परीक्षा के लिए तो ये दुनिया मेरे किसी काम के नहीं। वो धरती माँ से जन्मी थी और धरती माँ में समा गई, जो क्या दर्शाता है कि जीवन में आप कितने भी बढ़ जाइएगा लोग आप पे उंगलियां जरूर उठाएंगे। जब राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने उंगली उठाने में, तो हमारी और आपकी क्या औकात है। और ये यही बताता है कि राम जी अगर उन 10% लोगों को डांट देते ना चल भाग यहां से, तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी होती। लव और कुश को छोड़कर माँ सीता कभी नहीं जाती, बचपन में बेचारे रोते रह गए। इसलिए अगर 2 कौड़ी के लोगों को अगर खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। राम जी का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया इन 2 कौड़ी के लोगों ने यहाँ पर। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, जब भी आगे बढ़ेंगे लोग आप पे सवाल, लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते, नहीं सुनेगा। और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करेंगे। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर, किसने? हाँ भाई साहब, ये 200 साल जो अंग्रेज गए सब ना, अंग्रेज भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे। वो लोग को पता था कि भाई साहब तलवार की ताकत से, देखिए मुगल जब आए थे सब तो वो तलवार से लोगों को काटे थे सब, और अंग्रेज आए सब तो कलम से लोगों को काटा गया। और वो खुद लिख के गए थे द पावर ऑफ पेन इज मोर देन द पावर ऑफ स्वॉर्ड, कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। हमारा वैचारिक नपुंसक बना के चले गए सब अंग्रेज, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और इससे लड़ने का काम किया था राजीव दीक्षित ने, और इसमें किसी न किसी की चाल थी जिन्होंने राजीव दीक्षित को आकस्मिक मृत्यु कर दिया, और जो हमारे वैचारिकता को एक ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे थे। तो खैर आप भी समझते हैं इस सब चीज में मत पड़िएगा, धार्मिक चीजें गलत होती है, लेकिन हम लोग इसके शिकार हुए हैं, हम लोग को शिकार बनाया गया है ये अंग्रेजों ने। दूसरों को समझ में नहीं आता, धीरे धीरे विकास होगा, लेकिन आप अगर समाज को देखेंगे ना तो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो अब इस सब चीजों से हट रहा है। उसे नहीं मतलब है कि धार्मिक चीजें क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, वो अब इंटेलेक्चुअल पे जा रहा है। लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ससुरा इसमें और ज्यादा क्या होते जा रहा है, बनते जा रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं आप इस चीज को समझिएगा। तो रामायण क्या है? एक तरह की लीला है जो बताता है कि भाई साहब आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। बेहोश हो गया क्या कोई? देखिए बाबू आप ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं है, बैठिए। देखिए आप अगर आप पॉलिटिकली देखिएगा तो शायद हम और आप भी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे ना तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे और आपके करने के लिए, क्योंकि वहां बैठे हुए आप लोग, आप जैसे सोचिए वहां बैठे आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिला है, यहाँ लड़के जमीन पे बैठे हैं, आपकी शिकायत है गेट खोलना, लेकिन सब अपनी शिकायत जानता है, किसी को पता हमारा सामने तकलीफ कौन चीज। तो जब आप एक बड़े लीडर हो जाते हैं ना, एक और रही बात मोदी जी की, कहते हैं कि मोदी जी भी मतलब ये कर रहे हैं, सबसे बड़ा इस देश में करप्शन का काम किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। देखिए ध्यान से उन्होंने किस तरह से चोट किया था, उन्होंने क्या किया कि जब भारत में कहीं भी गलत काम होता था और कोई भी व्यक्ति उस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसके घर को जला देते थे सब अंग्रेज, और उनको अंडमान निकोबार में ले जाके फांसी दे देते थे सब। और ये काम उन्होंने 200 साल तक किया, 200 साल में 4 पीढ़ियां आ जाती है, क्योंकि एक पीढ़ी व्यक्ति की लगभग 50 मानी जाती है कि 50 साल के बाद आदमी किसी काम का नहीं रह जाता है। तो 4 पीढ़ियों के अंदर अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा स्वीट पॉइजन देते गए कि तुम गलत के खिलाफ आवाज मत उठाओ, मत उठाओ, मत उठाओ, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, घर जला दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा, जेल डाल दिया जाएगा। 4 पीढ़ियों के बाद जब हमें आजादी मिली तो हमारे अंदर वो डीएनए में ये डर घुस चुका है। हमारे सामने हमारे गांव का 2 कौड़ी का मुखिया नाली बनाता है तो उसमें 12-1 का सीमेंट का मसाला डालता है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। अगर हर गांव से आवाज उठने लगे तो किसी के बाप की औकात नहीं जो गलत काम कर सके। करप्शन तो हम लोग बढ़ाते हैं, हमें डर है
हम सवाल उठाते हैं अपने प्रधानमंत्री पे, हम सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री पे, अपने पे सवाल उठाएं कि हमारी औकात नहीं है कि हम अपने मुखिया के सामने आवाज उठा सके। और ये जो लोग कहते हैं करप्शन वाले, ये गांधी को गाली देते हैं। गुलामी में वही गांधी था जो अंग्रेजों की महारानी के खिलाफ आवाज उठा दिया था कि तुम गलत हो, और हम लोग अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। ये वैचारिक नपुंसक बना के चले गए अंग्रेज हमें। ये हम आप उठा सकते हैं, आपको नहीं पता आपके गांव में ऐसे मुखिया ने गलत काम किया, सड़क का पैसा लूट लिया, आपके सामने लिखा, लेकिन पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। आप पूछेंगे क्यों? नरेंद्र मोदी से, क्योंकि पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता आपको। लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन मुखिया के सवाल नहीं पूछ सकते। जानते हैं मुखिया कल को उठवा लेगा आपसे, उठवा लेगा कि नहीं उठा लेगा? आप नीतीश कुमार को गरिया देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो बेचारा, उनके संविधान ने हाथ बांध के रखा है, कुछ नहीं कर सकता। अपने गांव के वार्ड मेंबर को कुछ नहीं कर सकते, उठा लेगा रात को, धो देगा चार लाठी, शांत दे देगा, और सब गांधीगिरी निकल जाएगा वहां। जिस दिन भारत के 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ हाथ एक साथ अगर उठ जाए करप्शन के खिलाफ, किसी के बाप की औकात नहीं है जो भारत माँ का एक रुपया लूट के दिखा सके। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे जैसे टीचर जान फड़फड़ाएगा तो मरवा देगा सब ससुरा हम लोग को। राजीव दीक्षित भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही उड़ रहे थे, वो 200 साल पहले की चीजों को उठाए थे, हमारे उड़ा देगा सर, यहाँ पहले ही 6-7 को बम चल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे, आप देखिए बम चलने से पहले भी जो मेरी विचारधारा थी और आज भी वही है। हम जितना हो सके अंग्रेजों ने जो जहर दिया था उसको निकालने का हम काम करेंगे, आखिरी सांस तक जब तक रहेगा। इन अंग्रेजों की जो वैचारिक गतिरोध हमारे साथ दे के गए हैं उसे निकालने का कोशिश करेंगे। एक भी भारत माँ के संतान को अगर हम सही रास्ते पर लाएंगे तो हम समझेंगे मेरा जीवन सफल हो गया। ये आपका कर्तव्य बनता है, आप इसे आवाज उठाइए। और आज हम, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे भाई अंग्रेज जब हम लोग लड़ के गुलामी ले लिए, गुलामी से आजादी हो गए, तो मुखिया कौन चीज? लेकिन आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज तब उठाइएगा जब आप अपने गांव को सुधार सकते हैं, तब जब आप अपने गांव को सुधारने में तकलीफ होती है। अरे देश के प्रधानमंत्री को देश सुधारने में कितनी तकलीफ, बहुत टाइम लग। किसी की बात करते हैं, हमको मोदी जी से कोई एक वीडियो बनाए थे, हम लड़का कमेंट किया था सर आप मोदी जी के भक्त हो गए, तो नीचे एक लड़का उसका रिप्लाई दिया था, कल वाला वीडियो देख लो। हम मिडिल वाला काम नहीं करते, हाँ या ना। जब जब कोई गलती सरकार से होती है, किसान आंदोलन चीज, हम सीधा विरोध कर देते हैं, चाहे अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। बीच वाला रास्ता हम अंग्रेज वाला काम नहीं करते हैं, नहीं होता है। आप भी आवाज उठाइए। आप मेरे ख्याल से आप रामायण समझ गए, हाँ इसको कहानी मत समझिए, क्या ये लीला है, समझा गया लीला? तो कहते हैं राम लीला।